नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में इन दिनों एटीएम फ्रॉड करने वाली जालसाज सक्रिय हैं। आरोपियों ने 7 दिन के अंदर 5 लोगों से 5 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपियों ने एटीएम का क्लोन बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ितों में 3 रिटायर्ड बुजुर्ग और 2 कामकाजी महिलाएं शामिल हैं। 3 घटनाएं चूनाभट्टी और 2 बागसेवनिया इलाके की हैं। चूनाभट्टी पुलिस के साथ बागसेवनिया पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। डीसीपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि गत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच चूनाभट्टी इलाके में जालसाजों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया है। ठगे गए 3 रिटायर्ड बुजुर्ग हैं जो कि एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे। एटीएम के फंस जाने पर बूथ में लगी स्लिप में दिए मोबाइल नंबर पर कॉल करने के बाद उनके साथ ठगी हुई है। इस तरह 2 महिलाओं से बागसेवनिया के साकेत नगर में इसी तरह ठगी की गई। आरोपियों ने एटीएम का क्लोन बनाकर ये रकम निकाली है। फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। डीसीपी जितेंद्र सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को ट्रेस किया है, वह दिल्ली तरफ के बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास में लगी हुई है। इधर पूरे मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आरोपी एटीएम का क्लोन कैसे बना रहे हैं। 5 जालसाजी के मामलों में एक ही मोबाइल नंबर यूज हुआ है। आरोपी जिस तरह से बिना नकाब के एटीएम बूथ में दिख रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि वह बाहरी हैं। अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, लोग बाजार में खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, जैसे ऐसे में एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। यदि जालसाज जल्द ही गिरफ्तार नहीं किए गए तो ये रकम दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। पुलिस के लिए ये चिंता का विषय है। साइबर क्राइम भी इस मामले की जाँच में जुटी है। एक्चुअली जो ये गैंग है, इसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें पाया गया था कि मनीषा मार्केट में जो ICICI का ATM है, उसमें एक डिवाइस लगा करके और जो ATM कार्ड है उसको क्लोनिंग करते थे, और उसके बाद जब वो कार्ड वहाँ यूज़ होता था, वहीं पर उन्हीं का एक साथी मूवमेंट करता रहता था, और वो वहाँ के जो कस्टमर्स थे उनको एडवाइस करता था कि ये फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या बताएं। वो मोबाइल नंबर भी उन्हीं के साथी का होता था, और वो मोबाइल नंबर पे कॉल करने पर वह उनको अपना पिन नंबर उसमें डायल करने के लिए बोलता था, और जब पिन नंबर डायल करते थे तो वो पिन नंबर सहित उनके पास वो जानकारी सेंड हो जाती थी, और इसके आधार पे वो एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार करते थे और उसका जो पिन नंबर है वो जो उनको प्राप्त हो चुका था उसको विभिन्न माध्यमों से, ऑनलाइन है या एटीएम के माध्यम से, वो फ्रॉड करते थे। ऐसी 2 शिकायतें प्राप्त हुई है, FIR दर्ज हुई है, जिसमें जानकारी प्राप्त करने पर ये जो है दिल्ली क्षेत्र के कुछ लोग होना शामिल पता चला है। इनके लिए हाँ, हमारी टीम लगातार निगरानी कर रही है, और एक टीम हम दिल्ली भी भिजवा रहे हैं। इसमें मालवीय नगर से एक वॉच कंपनी से 73,000 की वॉच परचेसिंग का भी हमारे पास रिकॉर्ड आया। अब ओरिजिनल फिजिकली वो वॉच ली गई या कैश लिया गया वो क्लियर नहीं है, बट वो आया है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। बट सभी ATM धारकों से यह अपील है कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को ना अपना पिन नंबर दे जो बाहर किसी सिविलियन के रूप में घूम रहा है, और ना अपना कार्ड उसको शेयर करे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।